है और उस बात को कविता से कहना मैं समझता हूँ कि अभी उतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे एक गाना था बड़ा फेमस हुआ था पूरे देश में मैंने अपश्रवण जी का, तो उसकी कुछ एक पंक्तियाँ मुझे आज याद आती हैं। वो था कि नहीं वो मिसरी गाना था और वो बड़ा फेमस था संविधान पे कि संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहोगे सभी, इसे मान लो खुश रहोगे सभी। तो संविधान को बचाने की बात थी, संविधान को अगर हम लोग पालन करेंगे तो देश में समता बनी रहेगी, मैत्री बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा और जातिवाद नहीं होगा, समता के हिसाब से हम सब लोग बराबर हैं। तो संविधान को बचाना हमारी पहली उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है। और मैं तो आज की सभा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यही है कि माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी का एक चेहरा जो है आपने देखा होगा, मैं भी आंदोलन से जुड़ा रहता हूँ एक कवि होने के नाते। पिछला 18 जून का आंदोलन मेरे संचालन में इसी जंतर मंतर पर हुआ, 50,000 लोगों ने कूच किया दिल्ली का और आज हमने इस पूरे प्रोग्राम का नीचे बैठ करके आनंद लिया, इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि प्रकाश राव अम्बेडकर जी की जो छवि है, एक तो वो बाबा साहब के पुत्र हैं, उनका ब्लड का रिलेशन है उनके साथ में, दूसरा ये है कि अभी हमको एक ऐसा ग्रैंड फादर चाहिए इस दलित मूवमेंट को बचाने के लिए, और दूसरा SC ST पर जो OBC पर जो एट्रोसिटी मुसलमानों पर जो एट्रोसिटी मोदी युग में हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमको एक ऐसा बेदाग चेहरा चाहिए था जिसके पीछे चल करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ सकें। तो आज एक सेकंड, आज हमको ये लगा है, मुझको खास तौर से ये महसूस हुआ कि प्रकाश राव अम्बेडकर जी चूंकि कोई जितने भी दलित नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो कहीं ना कहीं CBI के डर से, सरकार के और तंत्रों के डर से कहीं ना कहीं खामोश हैं। प्रकाश राव अम्बेडकर जी एक बार राज्यसभा MP रहे, एक बार लोकसभा MP रहे अकोला से, उसके बावजूद भी उन पर कोई आरोप नहीं है, वो निरारोप पर्सन है और दलित समाज को ऐसे ही आदमी की जरूरत थी। तो मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में वो एक हमें ग्रैंड फादर मिले हैं और उनके पीछे हमको चलना चाहिए। और सामाजिक आंदोलन, मैंने भी प्रकाश राव जी से यही कहा था महाराष्ट्र सदन में कि आप लोग उत्तर भारत में राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में, सामाजिक रूप से आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व किया है। राहुल नागपाल जी, आपने अभी एक शरद यादव जी के लिए एक कविता लिखी थी, उस कविता को हम पूरा वर्णन करेंगे जी। हाँ, वो मैं संसद भवन में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर शो करने के लिए गया था 6 दिसंबर में, तो वहाँ बहुत सारे नेता मुझे सुनते हैं, तो वहाँ बहुत सारे नेताओं की इच्छा थी, माने शरद यादव क्या सुनाएगा, माने शरद यादव जी, वामन मेश्राम साहब और बहुजन समाज के जितने बड़े नेता हैं, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई कि आप एक ऐसी कविता सुनाएं लिखें कि जो 2019 के चुनाव में काम आए। तो मैंने कोशिश की, जब वो वायरल हुई तो मुझे वामन मेश्राम साहब ने स्पेशल बुलाया और कई नेताओं ने बुलाया, शरद यादव जी ने बुलाया सुनने के लिए, और मेरी अब इच्छा है 2019 के चुनाव से पहले उसको प्रिंट करा के और बड़ा 12-18 का साइज होगा कि हर नेता के ऑफिस में लगा के हूं जितने बहुजन समाज के नेता। तो आपको लगता नहीं कि आपको 5 लाख लोग से ऊपर देख रहे हैं तो आपका छुपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, उनको ताकि याद रहे कि उन्हें इस रास्ते पे काम करना है। और अभी अब जो आप अगर सुनने वाली बात है तो मैं चलो मैं कोशिश करता हूं, जितनी याद है, पूरी तो याद नहीं है। मैंने इस देश के SC ST OBC समाज को, OBC समाज, SC ST मतलब बहुजन समाज, 85% समाज प्लस बहुजन मुस्लिम समाज जो पीड़ित है उसको ध्यान में रख करके कुछ एक पंक्तियां ऐसी मन में आई, तो मैंने कहा कि बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ, और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ। इसका एक अंतरा आता है कि रोज मुसलमान गाय नाम पर दे देखो मारे जाते, रोज मुसलमान गाय नाम पर देखो मारे जाते, गुजरात के ऊना में दलितों का खून बहाते, और ये रोहित के कातिल हैं मत देना इनका साथ, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ, और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ। और दो लाइन इसकी बड़ी खास थी जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई कि नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, कि नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, कि नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, भूखे पेट मरे बच्चों को क्या माएँ भूल गई, और एक साह के बेटे
बेटे की जी, अमित शाह के बेटे की बढ़ती दौलत दिन रात, बहुजन हो जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। और अभी इन्होंने कहा था कि ताजमहल मुगलों ने बनाया था इसलिए उससे नफरत करनी चाहिए, तो बस मैं ऐसे भी पीछे बैठा था तो मैंने कहा कि ताजमहल अगर मुगलों ने बनाया था उससे नफरत करते हो मोदी जी, तो जिस लाल किले पे खड़े होकर के आप तिरंगा फहराते हो, ये कि तुम्हारे चाचा ने बनाया था, ये भी तो मुगलों ने बनाया था। तो मैंने कहा था कि ताजमहल से नफरत इनको, लाल किले से प्यार, के ताजमहल से नफरत इनको, लाल किले से प्यार, तुमसे तो बेहतर था मोदी वो पिछला सरदार, ताजमहल से इनको नफरत, लाल किले से प्यार, तुमसे तो बेहतर था मोदी वो पिछला सरदार। और संविधान की रक्षा है तू, संविधान की रक्षा है तू, तोड़ो इनके हाथ, बहुजन हो जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन हो जाओ एक। तो काफी बड़ी कविता है, लेकिन मुझे कुछ जी, आपने इसके चाचा का टारगेट क्यों दिया? नहीं, अब वो ये दरअसल एक मैंने इसलिए चाचा का टारगेट दिया कि मेरे जब मैं छोटा था ना, तो नहीं मेरी उम्र को भी सूट करता है, मेरी उम्र मेरे पिताजी से छोटे होंगे तो मैंने कहा चलो चाचा कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कभी कभी मम्मी से मजाक कर लिया करेंगे और क्या होगा। तो कोई परेशानी नहीं है, ताऊ नहीं बोला मैंने उनको। और एक हिटलर शाही की बात थी, तो अभी इसमें पकौड़ों का जिक्र नहीं, पकौड़ों का जिक्र एक नई कविता मेरी आ रही है, पूरा गीत आ रहा है और मैं उसको जब साउंड में कर रहा हूँ, मेकअप कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा समय लगेगा पकौड़ों पर। तो मैं जो चाचा वाली बात आपने की, मेरे परिवार में एक हमारे चाचा थे तो वो बड़ा पीटते थे मुझको, और मतलब वो हिटलर शाही दिखाते थे, तो मैं जब वो उनके थप्पड़ मुझे याद आते हैं तो मोदी जी के थप्पड़ मुझे याद आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये वही उसी तरीके के चाचा हैं जो अपनी चला रहे हैं और किसी की नहीं चलने दे रहे। तो ये संविधान की रक्षा हेतु और हम सब लोगों को SC ST OBC के लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ मुल्क में रहना चाहिए। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, दोनों साथियों के माध्यम से, और आपसे पहले भी जिन लोगों को बाइटे मैंने दिए, कि मैं कवि हूँ, देश के 22 राज्यों में गया, 1000 से ज़्यादा शो किए, हर जगह जाकर एक बात कहता हूँ कि भैया इतना कर लो सिर्फ कि सरकार चाहे लेफ्ट की बने, चाहे राइट की बने, कांग्रेस की बने, चाहे मायावती की बने, चाहे भैया जी की बने, लेकिन कम से कम इस मोदी की नहीं बननी चाहिए। लंगड़ी सरकार बना दो, नहीं लंगड़ी बना दो, काशीराम साहब कहते थे हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, तो हम मजबूर सरकार बनाएंगे 2019 में बिल्कुल। अकेला राहुल नागपाल ही, आप सारे साथी हैं, देश में लाखों चंद्रशेखर, लाखों राहुल नागपाल पैदा होंगे, और देखिए एक मूवमेंट तैयार हो रहा है धीरे धीरे, 2019 में हम कम से कम जो हमारा उद्देश्य है मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी अब आप हमें माफ़ करो और गुजरात जाओ, वहीं चाय बेचो। धन्यवाद सर।